दीक्षा राठौर, विनीत आप इंतजार कर रहे हैं, पीछे चले जाएं आप। नमस्कार, जैसे कि आप जानते हैं कि नवेरू सरपंच जी समाज सेवी है, वो तो पहले से ही काम करवाते हुए आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की जब यहाँ से वो उनकी सीट पे ये जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल की जो पांच गारंटी है वो तो लागू होगी होगी। पांच गारंटी है जिसमें फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, 1000 रुपये महिलाओं को जो राशि मिलेगी, उसके बाद हमारा जो है अपना एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी वो बात करके गए हैं और अपना स्वास्थ्य के ऊपर बात करके गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार आती है तो वो जरूर हरियाणा में भी हम उनको लागू होगी। जो यहाँ पे केजरीवाल जी आए थे, केजरीवाल जी ने बताया कि हमें बीजेपी ने परेशान किया, बीजेपी ने हमें जेल में डाल दिया, हम ईमानदार हैं। लेकिन यदि ये कह रहे थे कि हम की हमारे पास रहेगी, सरकार बनती है तो चाबी हमारे पास रहेगी, ठीक है, तो क्या ये आज यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और कुछ सीटें कम पड़ जाती है तो कांग्रेस के सपोर्ट में चले जाएंगे? देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन जो जायज़ चीज़ होगी उसके ऊपर पहले विधायक बनने से पहले क्या क्या लोगों के? हेलो, नाथूपुर से जो महिलाएं आई थी, हमारी माँ वो टेंट में पहुँचने का काम करे, माँ अनोखियर जहाँ भी मेरी आवाज़ सुन रही हो वो टेंट में पहुँचने का काम करे, माँ अनोखियर जो जितने भी हमारे 20-25 महिलाएं बड़ी हुई कृपा टेंट में बहुत लोगों को लाभ हो रहा है और सड़कें बन क्या कुछ काम नहीं करवाए उन्होंने, मंदिरों में गरीब कन्याओं का विवाह करवाया, जामी जाएगा। हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है? हम तो बोलेंगे हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इतने हम तो सोच रहे हैं, पूर्ण बहुमत से आए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं यदि 3 महीने पहले छूट जाता या 2 महीने पहले छूट जाता तो मैं हमारी यहाँ सरकार बनती, लेकिन अब यदि हमें 15 दिन पहले छोड़ा है या 10 दिन पहले छोड़ा है तो ये सरकार नहीं बनती, तो सरकार चाबी हमारे पास है। जी बिल्कुल, ये बात तो निश्चित है कि आम आदमी पार्टी एक किंग मेकर का काम करेगी ही करेगी। अब किंग मेकर का फायदा क्या होता है, सपोज किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती और आम आदमी पार्टी के पास इतने नंबर है, किसी को समर्थन देके पार्टी अपनी सरकार बना सकती है, तो जो आम आदमी पार्टी ने सवारी अपने बस में पहुंच जाए उनको बहुत से जितना ज्यादा हो सकता है वो तो हम भांगरोला की जितनी भी सवारी अपने बस में पहुंच जाए उनका इंतजार कर रहे हैं सरपंच साहब। समर्थन की यही शर्त होगी कि हम लोग हमारे जो वादे हैं वो बहुमत से करवाए जाए, और चाहे बिजली हो, चाहे पानी का हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, साधारणा वाले भैया भी अपने अपनी बस में पहुंच जाए उनका इंतजार कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया उन्हें, ये सब काम जरूर करवाए जाए, नहीं तो हम समर्थन नहीं देंगे। यहाँ बादशाहपुर विधानसभा में कांग्रेस से जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, तो बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं वो पूर्व बीजेपी से राव नरवीर जी वो मंत्री भी रहे हैं, वो गृह मंत्री भी रहे हैं, और यहाँ से जो कांग्रेस से कैंडिडेट हैं वो भी यादव हैं, और जो भी जो डौलक से हैं, मुबारकपुर से हैं, अरसरू, हयातपुर, दाड़ौली खुर्द, सारे लोग अपनी बसों में पहुंच जाएं। बार क्या लग रहा है कि जुडौला, मुबारकपुर, हरसरू, हयातपुर और दाड़ौली खुर्द, सारे लोग अपनी बसों में बैठ जाएं। सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग भी बैठे हैं नाश्ता अगर कर लिए हो, पानी की पेटी अपनी गाड़ी में रख लें और अपने बसों में बैठ जाएं। कृपया शांति से सारे लोग बैठे, भाग दौड़ ना करें, और ध्यान दें कि जो अपनी बस से आया है अपनी बस में बैठे, कोई भी यहाँ छूटे ना। निर्वीर जी अपनी गुटबाजी से चौमा जो भी है, मौला है ना, दुबला है ना, सारे लोग अपने बस में बैठ जाएं। है वो पीछे नाहर को रुका हुआ है, बस में बैठ जाएं। उसके बाद जो भी माता है बहने, मेरे भाई, मेरे ताऊ है खड़े, उन्हें अपनी बसों में बैठ जाए। हाँ, सभी लोगों में इससे भी ज्यादा खतरा नहीं बैठे, 20,000 आपने आज जैसा देखा ही है जितना कितनी भीड़ थी, हमने सोचा कितने अराउंड 1 लाख से ऊपर होंगे लोग। बादशाहपुर के बाद क्या क्या काम करवाएंगे? ये काम तो 5 गारंटियां हैं, मुफ्त बिजली 24 घंटे जो कि हम दिल्ली और पंजाब में कर खा चुके हैं,
अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, 1000 रुपया हर औरत को, 18 साल की महिला को ज़रूर मिलेगा महीना, और एक रोज़गार जो बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है आजकल, ये 5 तो करवानी है। छटियाज अरविंद जी ने खुद कह भी दिया कि अगर हम जीतते हैं बादशाहपुर में कम से कम सड़कें और पानी की सिंचाई का भी काम करें, निकाय जो कहते हैं वाटर ड्रेनेज सीपेज बहुत बड़ा मुद्दा है। 15 मिनट की बारिश और 15 दिन का कीचड़ रहता है इस शहर में, और हम जो लोग बाहर से आते हैं ये सोच के बहुत चकाचौंध का शहर है, 5-10 किलोमीटर के सिवाय कोई चकाचौंध नहीं है, बाकी सब कीचड़ है इस शहर में। तो हम इस पे भी काम पूरा बहुमत से करवाएंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।